ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इसीलिए अब कोई क्वेश्चन नहीं, जिसका दिल साफ है अपने दिल से सबको निकाल दो, किसी व्यक्ति वस्तु किसी का भी हमारे अंदर न, और तब जाकर के बाबा आपका सारथी बनेगा और विनाश के समय आपको मदद करेगा। अर्जुन के रथ में बैठा था, दुर्योधन के रथ में नहीं बैठा था। इसलिए अपने दिल को आप साफ रखो, एक व्यक्ति के प्रति भी मेरा दिल खराब है उसमें बाबा नहीं बैठेगा, बाबा साथ में नहीं देगा। इतना दिन से मेरा कई लोगों के लिए दिल खराब है, उसको ही मैंने साफ नहीं किया, अभी भी मैं परचिंतन की बातें इधर उधर की बातें सुन करके दिल को खराब करेंगे तो फिर दिल को साफ करने का टाइम कहां मिलेगा। इसलिए अब मुझे निगेटिव बातें ना सुननी है, ना किसी के लिए सोचनी है, ना किसी को सुनानी है। इसलिए परचिंतन से बचना, परचिंतन करने वाला ज्ञान में नहीं चल सकता, ज्ञान से अपने आप निकल जाएगा। एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक सत्संग चलता था, उसी सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन एक शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, क्या वरदान चाहिए? कहता है, गुरुजी मैं इतना वरदान चाहता हूं, मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में एक छड़ी देता हूं, छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा देता हूं। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता है वो जानना है, ये छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तुम्हें पता चलेगा। तो शिष्य को क्या क्या वरदान दिया, छड़ी दी, शिष्य चला गया। लेकिन अचानक शिष्य को याद आता है, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं। तो बीच में रास्ते में रुक गया और गुरुजी की चेकिंग करने के लिए छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, तो थोड़ी सी छड़ी काली हो गई। जब छड़ी काली हो गई उसको लगता है, अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। वो आश्रम में आना बंद हो गया, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, महीना हुआ। तो गुरुजी को लगता है, अरे सबसे पहले आने वाला, इतनी अच्छी सेवा करने वाला, इसको क्या हुआ। तो गुरुजी उसके घर में गए, कहता है, क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? कहता है, नहीं जी आजकल मेरे बच्चों की परीक्षाएं, थोड़ा धान निकलने का समय आया है, थोड़ा सा मेरी भी तबीयत ऊपर नीचे है, थोड़ा सा गर्मी का मौसम है, कुछ ना कुछ बहाना बताता है। तो गुरुजी ने कहा, आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो जाए आप हमें चाहते थे? नहीं जी नहीं, जरूर कुछ बात है। कहता है, गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, वो छड़ी है ना, मैंने उसे छड़ी से देख लिया। गुरुजी ने कहा, अच्छा ये बात है क्या? लेकिन गुरुजी ने कहा, तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा, देखो। तो शिष्य ने क्या क्या छड़ी को दिल में रखा, अपना खुद का नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की तो थोड़ी काली थी लेकिन शिष्य की पूरी काली, अपनी काली देकर के शिष्य को शर्म आ गई, सिर नीचे झुकाया। तो गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जब भी आश्रम में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते, दान पुण्य करते, सेवा करते, अब इतनी बची है वो तो मैं कर ही रहा हूं। लेकिन तुम मेरे को देख करके आश्रम में आना बंद करोगे, जो तुम्हारे सफेद बन रहे वो भी क्या हो जाएगी, काली हो जाएगी। बताए, गुरुजी आज आपने मेरी आंखें खोल ली, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों को नहीं देखना, अपने आप को देखना। तो वो शिष्य दोबारा आश्रम में आना शुरू करता है।